देखी लड़की तो हमरा पसंद बा, लेकिन दहेज में 2 लाख रुपया और एगो अपाची चाहिए। समधी साहब, हमनी का बहुत बड़ी बात में बानी। समधी समधी कथी के हो, पहले 2 लाख रुपया यहाँ गिन के रखाओ आ एगो अपाची तबे समधी कहाए। समधी साहब, हमरा उतना सा काम ना बा, हम 50,000 रुपया के देहब, रउआ हमरा बेटी के अपना ले। देखी यहाँ हम सब्जी मंडी में नहीं खिया जे रउआ मोल भाव करत है, अगर जे रउआ के औकात बा तो 2 लाख रुपया एगो अपाची दी न तो रहे दी। समझी साहब, रउआ ऐसा मत करी, हमरा बेटी के अपना ली तो बहुत मेहरबानी रही। हम कोनो भगवान नहीं खी जे रउआ पर मेहरबानी करी, रउआ औकात नहीं खी हमरा बेटा से ब्याह करे के। चल बेटा प्रणाम। जाए बेटा, हमनी के गरीबी के मजाक उड़ावता। अरे का छोड़ दी, इस साला सा चाचा के नाम पर कलंक बा, इस साला सा चाहता कि हमर बहन के शादी ना हो को रे साला सा, तो निके दांत चियार ले, लेकिन एक दिन हमर बहन के घर बसी रे साला सा। ठीक बा, हमनी के मरल नहीं की, अभी जिंदे बानी। हम हो देखम कहिया ले बियाह होई आ कितना दिन खुश रही। हां तोनी के देखायम हम, एक दिन हम अपना बहन के ऐसन घर में शादी करम। अरे तोनी के का गाँव वाला देखी तो देखते रह जाई। ठीक बा, अपन काम कर, पटीदार होकल ताना मारे वाला, जो नसीब में लिखल हो तो होई। बबुओ सामनी साहब के पैसा दो। समधी साहब 1 लाख तो है भैल, 50,000 बा और 50,000। समधी साहब 50,000 रखी, फेरा होके का पहले हम 50,000 रुपया रकम दे दे। ठीक बा समधी साहब, 50,000 रुपया हमरा फेरा होके से पहले चाही तो चाही। रउआ तनको फिक्र मत करी, फेरा होके से पहले रउआ हाथ में पैसा मिल जाई। ठीक बा समधी साहब, रउआ शादी के तैयारी करी, हम बारात लेके आवत तनी। चलो बेटा बारात के तैयारी करे के बा। हमने अगर साला पॉकेट में कैसे पैसा कोच के ले जाता। अच्छा कोचे देना साले के, देखना पैसा वा कहेंगे लुटवावा तनी। अरे डाकू से काले बगैर ले बनी, अरे जो पैसा छीन के ले आओ, गोली नहीं खे मारे के, आ ज्यादा बोली तो काद गुस्सा लगा दिए। ए साला रुक, ए साला एकरा पॉकेट में से पैसा निकाल, ए पैसा दे भैया। ये पैसा छोड़ दे, काहे कि पैसा से हमर बहन के घर बसे वाला बा। ए साला, तोरा बहन के घर बसला से हमरा का मतलब बा? हट साला। रे साला, एगो गरीब के पैसा लूट के तोनी के दारू और गांजा पीबे, लेकिन एगो गरीब के बेटी के घर ना बसा सकत रे। काबिल बेटा कहाँ हुआ तर, पैसा लेके आइला हो? हम पैसा लेके आवत रही, रास्ता में बंदूक मिला के पैसा छीन ले लख का। हे भगवान, अब हमारा बेटी के शादी कैसे हो? बाबूजी रे चिंता मत करी, पहले बारात आवे दी, सब ठीक हो जाए। यजमान विधि संपन्न भइल, कन्या के बुलावल जाओ। जा बेटा भाभी के बुला के ले आओ। ओम बंगलम
वर वधू फेरा के लिए खड़े हो जाए। एक मिनट पंडित जी। ए बेटा तू भाई समधी साहब रुआ 1,00,000 रुपया तय कैले रही जे में 50,000 रुपया दे देनी आ 50,000 कहनी कि फेरा होके से पहले देम। उ 50,000 रुपया हमरा फेरा होके से पहले चाही ना तो फेरा ना होई। समधी साहब हम बहुत कोशिश कैनी पैसा के व्यवस्था करे के पैसा के व्यवस्था ना भेल। रुआ शादी होके दी हमरा जैसे ही पैसा के व्यवस्था हो जाए हम रुआ घरे पहुँचा दे। हमरा तोरा व्यवस्था से कोनो मतलब नहीं के हमरा पैसा चाही तो चाही तबे ब्याह होई ना तो ना होई। समधी साहब हम रुआ के कैसे समझाई हम पैसा लेके आवत रही रास्ते में चोर बदमाश पैसा हमर छीन ले। ई कहानी हमरा के सुनैला के कोनो जरूरत नहीं के रुआ लगे पैसा बांटे कि हम बारात लेके जाई। समधी साहब रुआ ऐसा मत करी हमरा इज्जत के सवाल बा रुआ बारात लेके वापस ना जाई न तो हम गाँव में मुँह देखावे लायक ना रह। ए तोरा गाँव के मुँह मारो चल बेटा उठ। रउआ शादी करी 2 दिन में हम पैसा देम। हम ठीक बा तोरा के 2 दिन के टाइम देता नहीं 2 दिन में पैसा हमारे घरे पहुंच जाए के चाहिए। चल बेटा फेरा ले। कोनो दुख ना होई तो बढ़िया घर में शादी पहले बानी। चुप रह चुप रह भैया। ₹5,00,000 वैसे हमारे बेटा के रूप ना सहबू एगो तो तुहर बाप 1,00,000 सकार के 50,000 रुपया दिल आ 50,000 देवे के औकाते ना हमारा बेटा से बस चढ़ के बतुएलू। हमारा बेटा से इतना बतुएलू नु तक गोर हाथ तुर के आ भेजा देम तोरा बाप लगे। तू हटा पापा ई बहन चोत के बेटी के अभी हम गोर हाथ तुर के बैठा देव। चल भीतर हम तोरा के बताओ चल चल ले जो मार मन भर सधा ले 50,000 रुपया तुम्हारा जवान रे बहन चोत के बेटी तुम्हारा जवान रे। तोरा बाप के जिम्मेदारी बा ये पलड़ के सुतल बाड़ू भोसरो तोहर आदत ले ठन्ना सुतरी ए ये पलड़ हबे। चल मार के पलड़ हबे तू है तोरिया झोटा लसार के मनम जो बाप से 50,000 रुपया मांग के लिया तब ये सुतिए जो। ए बेटा एकरा बाप लगे फोन कर तनी एकरा बाद एकरा के धक्का मार के बाहर निकाल। हेलो हाँ समधी साहब ऐसा
जवान रहा है। तू तो हमरा के 50,000 रुपया ना दे रहा, तोरा बेटी के अभी के अभी घर से बाहर निकाला था नहीं। रहुआ ना खिस आऊ रघुआ, पैसा अपना बेटा से ध्यान हम केहू नहीं भेज दे। बेटा एक कट्ठा जमीन रहे तो बिकाइए गए, अब घर बनकी धो के 50,000 रुपया समझी साहब के पहुँचा दो। बाबूजी ये घर बनकी धो दे तो हमने के कहाँ रहम, कहाँ करी बेटा, बेटे खातिर ये घर का और शरीर बेचे के हुई तो शरीर बेच दे, नसीब में जो लिखल बा वो तो होबे करी। ठीक बा बाबूजी, हम जाते हैं। जो यहाँ से तुम्हारा बाप भाई जो यहाँ हमरा के 50,000 रुपया दी तब यही घर में आई। चल बेटा दरोगा जी, मेरे ससुराल वाले ने मुझे बहुत मारे और घर से निकाल दिए। क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। दरोगा साहब बात ये है कि बैठ जाओ आराम से। अब बताओ क्या हुआ है। और क्यों उसके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ठीक है, टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक मिनट रुको तो, अरे रुको ना। लाडली, ए लाडली, के बा हो? का बात बा, काहे लई आइल? बाबूजी हमरा पैसा लेके नहीं आई, धरी अपन पैसा। ई पैसा के हमरा कोनो जरूरी नहीं छे। ई पैसा लेके जो तू अपना घरे, ये पैसा से अपना बहन के दूसरा जगह बियाह कर दिए, काहे कि हमरा घर में तोर बहन के कोनो जरूरी नहीं छे। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर जो है कि घाट भंगड़ा घाट के नीचे जो है लगातार जो है तेजी से पानी चल रही थी, लेकिन उसी पानी के बीचों बीच एक महिला की जो है लाश जो है दह रही थी। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा जो है कि निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे आसपास बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ है जो निकाले हैं। क्या नाम हुआ बाबू, ये कैसे हुआ है पता है? हम नहीं जानते हैं, हम अभी अभी आते हैं। तू जाना ला? हम नहीं जानते हैं। कैसे हुआ, कौन लोग? दो आदमी इनको निकाले। दो आदमी निकाल रहे थे। ओ भाई, वहाँ कथी के भीड़ लागल? ये वो लड़की कूद गई पुल पर से, शायद ओकर नया नया बियाह भेल।
देखिए देखिए सर भी आ गए सर सर अभी रुक जाइए अभी रुक भाई तुम देखे हो नहीं। तुम नहीं तुम कह अरे ये तो वही लड़की है अच्छा भीड़ लगा रहा है देखिए यहाँ पे जो है कि दरोगा जी भी पहुँच चुके हैं लगातार जो है कि डेथ बॉडी को जो है टच करके देख रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार के है उसके बाद फिर हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या इन्होंने पाया है क्योंकि ये शादी सुधा लग रही है और लगातार जो है कि बिहार में इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है। दरोगा जी क्या कुछ पता चला आप सर जी आपको बता दें कि ये महिला तकरीबन 2 घंटे पहले हमारे थाने पे आई हुई थी। अच्छा। यह एक मतलब घरेलू हिंसा का केस लग रहा था। ये अपने बारे में कुछ बताई थी कि इनके घर वाले मतलब ससुराल वाले इनको मतलब कुछ टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली। तो वही इनको हम बोले कि ठीक है मतलब हम सपोर्ट करेंगे लेकिन पता नहीं क्यों ये थाने से चली गई है। अच्छा। बाकी तो जब इनके परिजन मिलेंगे तो ही कुछ पता चलेगा क्या हुआ है। फिलहाल तो लाश को पोस्टमार्टम ले जाएंगे। कितने दिन पहले थाने में पहुंची थी? तकरीबन 2 घंटे पहले। देखिए बैकुंठपुर के जो है कि आज दरोगा जी भी पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है बताने की कोशिश हमको इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा जो किया उस पर बताया हमको गया है कि जो है कि ये महिला 2 घंटा पहले इनके थाने पहुंची थी कुछ शिकायत लेकर लेकिन अब जो है इनके परिजन अगर यहाँ पहुँचते हैं तो घरेलू झगड़ा जो है या कोई मैटर है वह पता लग पाएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये लड़की जो है कि ये कहाँ की है और लगातार जो है देखिए एक शख्स भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सर लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं और ये देखिए लाडली हेलो इधर थोड़ा बताइएगा लाडली लाडली बिल्कुल ये आक्रोशित मैं ऐसा लगते हैं कि देखिए लगातार दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ये शख्स जो है लाडली लाडली ही चिल्ला रहे हैं सर थोड़ा सा हमको हेलो 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 थोड़ा सा आप हम आपका थोड़ा सा बाइट चाहिए इधर 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 ये मतलब कौन है आपके लगातार रो रहे हैं आप ये हमारी छोटी बहन है। अच्छा आपकी छोटी बहन है शादी शादी हो गया था ना जी शादी हो गया सर मतलब कहाँ आपके बहन के घर था हमारा बहन का शादी हुआ था लखनपुर में। अच्छा अच्छा ये बताइए कुछ आपसे विवाद भी लगातार फोकस कीजिए आपसे विवाद देखिए तो लगातार कुछ बताने में जो है असमर्थ है लेकिन लगातार जो है कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लखनपुर तो इस तरीके की घटना रोज बिहार में होती रहती है और कितनी लाडली जो है इस तरीके की जान देती है सिर्फ और सिर्फ दहेज के कारण। आपको बता दें कि एक ऐसा जिला जहां पे एक गरीब परिवार की गोपालगंज जिले के लखनपुर में शादी होता है फिर वह प्रताड़ना सहती रहती है उसके बाद जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है फिर वह पुल से कूद कर जान दे देती है। मामला है गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जो है लखनपुर गांव का एक छोटे से गांव में शादी होता है जहां उनके परिवार के लोग दहेज के कारण जो है कि बहुत ही प्रताड़ित करते हैं उसके बाद लड़की को यह कदम उठाना पड़ता है। आखिरकार यह क्यों होता है और क्या हम जानना चाहते हैं कि बिहार में गरीब परिवार की बेटी ससुराल नहीं रह सकती है क्या? आखिर कब हटेगा समाज का यह कलंक दहेज? जरूरत है आप लोगों को बदलने की और जरूरत है समाज की बदलने की। आइए हम लोग समाज को बदलते हैं और सरकार की लगाई हुई दहेज प्रथा प्रतिबंध को हम लोग लागू करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।